इविडेंस की मीनिंग होती है प्रूफ। जिस तरह से डार्विन की थ्योरी थी, डार्विनिज्म एक दुनिया के अंदर बहुत ही बड़े एक लाइक उस वक्त जो चर्च जो डोमिनेंट था, जिसने जिस वक्त डार्विन ने थ्योरी दी थी उस वक्त चर्च पूरी दुनिया पे डोमिनेंट होता था। कोई हुकूमतें वगैरह जस्ट एक लेटर से वो खत्म, ये वो आ जाए वो आ जाए, इतना चर्च डोमिनेंट था। जब इसने थ्योरी दी तो यकीनन एक तरह से बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट पैदा हो गया, और डार्विन अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए इसने जो काफी सारी एविडेंसेस भी पेश की कि भाई अगर कोई पर्सन बात करता है ना कि मैं ये फलां चीज A1 ग्रेड में पास हो गया हूँ, मैं से A1 ग्रेड वाला कैसे पता चला यार, दोस्त ने मैसेज किया नहीं है, देखो ये मैसेज बड़ा A1 ग्रेड में पास हो गया, तो उसके लिए प्रूफ क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रूफ क्या होना चाहिए। जाहिर है उसकी एक मार्कशीट होगी, देखेंगे ओरिजिनल तो पता चलेगा कि ये A1 ग्रेड में पास हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई ना कोई एक प्रूफ होना चाहिए, तो एविडेंसेस प्रूफ को कहते हैं। किसके हवाले से कि वाकई एवोल्यूशन हुई है या नहीं, उसके लिए जो एविडेंसेस पेश की गई थी, जिसमें नंबर वन जो एविडेंस थी वो फॉसिल रिकॉर्ड की थी, जो डायरेक्ट एविडेंस है। एक ऐसी एविडेंसेस होती है जिन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस, दूसरी ऐसी एविडेंस होती है जैसे कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस, जैसे कोई चीज ऑन द स्पॉट कोई जिस तरह से रिकॉर्डिंग भी हो और पर्सन जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले उसी को ऑन द सीन पकड़ लेते हैं कि भाई इसके बाद उसकी क्या प्रूफ की जरूरत है, ठीक है ना। बाकी तो ये होता है कि फलां पर्सन उधर था या नहीं, मोबाइल के टावर चेक करो, सिग्नल चेक करो, आज भी आजकल जैसे हो रहा है ना टेक्नोलॉजी, ये सब प्रूफ है कि ये मीसम अब्बास जो इस वक्त कहाँ है। वो कहता है कि मैं बदीन में बैठा हूँ, बदीन में बैठा हूँ, बट इसके खीसे में एक जेब के अंदर जो है मोबाइल पड़ा है, तो वो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं ये इधर ही था, इसके नंबर है, ठीक है, ये प्रूफ है एक, ठीक है, एक तरह से प्रूफ है, ठीक है ना। जैसे पुराने दौर में झूठ बोले अब कितनी है ना, फलाने अंदर अच्छा है, ठीक है, लोकेशन सारी ट्रेस हो जाए। तो इसी तरह से एक एविडेंस है, एविडेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल की स्टडी को कहते हैं पैलियंटोलॉजी। पैलियो लफ्ज इसका मतलब होता है एंशियंट, वेयर देयर इज अ पैलियो यू मीन एंशियंट, ओंटोस पैलियो और ओंटो, ओंटो लफ्ज की मीनिंग होती है बीइंग आर लाइफ, बीइंग आर लाइफ, लाइफ भी, एंड लॉजी इज अ स्टडी, स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ, स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ इज कॉल्ड द पैलियंटोलॉजी। और एंशियंट लाइफ इस तरह से हमें पता चल रहा है कि वाकई कोई एंशियंट लाइफ है, जैसे डायनोसार के फॉसिल मिले, डायनोसार खुद को किसी ने नहीं देखा, बस ये फॉसिल रिकॉर्ड मिला है, तो ये एक प्रूफ था कि इस तरह का एनिमल किसी दौर में होता था। किस दौर में होता, जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स उसे एक उसकी एज बताते, वो मिलियंस ऑफ ईयर अगो कहते हैं कि ये एनिमल इस दौर में था। वो कैसे पता चलता है कि वाकई ये इतनी दौर पुराने दौर में था, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग होती है, हाफ लाइफ काउंट करके बताते हैं कि इस दौर के अंदर जो है ये एनिमल प्लांट ये जिसका जो फॉसिल रिकॉर्ड है ये मौजूद था। फर्स्ट ईयर में चैप्टर वन जो है उसका पेज नंबर 8 है, उसके अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया गया हुआ है, उसके अंदर मीजोजोआइक एरा, सीनोजोआइक एरा, प्रोटेरोजोआइक एरा सब ये रास मौजूद है, पैलियोजोआइक एरा, उसके अंदर जिस तरह से कौन कौन सी चेंजेस आई थी वो एस्टिमेट एक उन्होंने दिया है साइंटिस्ट ने, कि इस तरह से जो है पुराने दौर में भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। जैसे आपको बताया कि मीजोजोआइक एरा इज कॉमनली कॉल्ड द एज ऑफ रेप्टाइल्स, क्योंकि उस वक्त डायनोसॉर डोमिनेंट थे। तो फॉसिल किसे कहते हैं, फॉसिल इज एनी ट्रेस ऑफ लाइफ फ्रॉम द पास्ट, कोई भी निशानी हो, ऐसे नहीं कि पूरे का पूरा एनिमल जो है महफूज हो, कोई निशानी हो। जिस तरह से अगर हम थर्ड डेजर्ट के अंदर देखते हैं कि कोई लिजर्ड गुजरती है तो उसके जो है फुटप्रिंट या पाँव की निशान या टेल की जो उसके निशान रह जाता है, अगर वो भी प्रिजर्व हो जाए तो उसे भी फॉसिल कहते हैं। पूरा का पूरा एनिमल किसी जगह पे प्रिजर्व हो गया तो वो भी फॉसिल है, कोई उसका पार्ट जिस तरह से प्रिजर्व होता है वो भी फॉसिल है, फीसिस जिस तरह से इवन प्रिजर्व होती है वो भी फॉसिल होती है। किसी भी तरह की निशानी हो, एनी ऑफ द ट्रेस, जरूरी नहीं पूरा एनिमल, ट्रेस ऑफ लाइफ फ्रॉम द पास्ट एंशियंट, तो उसे हम कहते हैं फॉसिल कहते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी को हम कहते हैं पैलियंटोलॉजी कहते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड हमें क्या, जिस तरह से सबूत साबिती प्रूफ एविडेंस देता है कि वाकई एवोल्यूशन हुई है,
तो इसके लिए एक फॉसिल मिला था आर्कियोपिटेरिक्स, आर्कियोपिटेरिक्स। जैसे ये आर्कियोपिटेरिक्स का एक जर्मनी के अंदर एक वैली थी बवेरिया, उसके अंदर आर्कियोपिटेरिक्स का एक फॉसिल मिला था। तस्वीर तो आजकल जैसे बहुत ही खूबसूरत जैसे दिखा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा एंशियंट बर्ड था, बट जो फॉसिल मिला था बिल्कुल इसी तरह से प्रिजर्व फॉर्म में मिला था, एक रॉक थी उसके अंदर ऐसे निशान दे। तो देन क्या किया इन्होंने, इन्होंने जिस तरह से एक आर्टिस्ट को भी बुलाया, साथ में एक एक्सपर्ट एनिमल्स का भी बैठा, और उन्होंने एक स्केच बनाया कि ये किस तरह का कोई एनिमल होगा। जैसे डायनोसार है, डायनोसार के आप जैसे मूवी फोटोज पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, तो डायनोसार के दौर में किसी के पास कोई DSLR या ऐसी कैमरा नहीं थी कि डायनोसार की फोटो निकाल रहे। तो यकीनन जो उसकी जो है इस तरह से जो है ये फॉसिल मिला था, और आर्टिस्ट भी आया और उसको बताया कि ये जो आर्कियोपिटेरिक्स है इस तरह का ये हो सकता है, इस तरह का ये आर्कियोपिटेरिक्स हो सकता है। जैसे ये फॉसिल था उसमें से ये जो है दोबारा से रिप्रेजेंटेशन है उसकी, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, किसी आर्टिस्ट ने ये बनाया कि भाई ये जो एनिमल होगा इस तरह का होगा। तो इस वक्त तो ऐसे फोटो पड़े हैं आर्कियोपिटेरिक्स से, आप और मैं यकीनन ऐसा सवाल करेंगे कि भाई ये किसने फोटो बनाया, ये तो सब गलत है, ठीक है, ये फोटो ऐसा ये हो ही नहीं सकता है, किसने उस दौर में किसके पास कैमरा वगैरह थी। बहरहाल तो आर्कियोपिटेरिक्स को जब देखा गया तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज थी, एक रेप्टाइल्स की प्रॉपर्टीज थी और दूसरी बर्ड्स की प्रॉपर्टीज थी। रेप्टिलियन फीचर भी थे और एवियन फीचर, एवियन दैट इज द बर्ड्स, दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद थी। होना ये चाहिए कि एनिमल या तो रेप्टाइल हो या बर्ड हो, कोई एक हो, पर दोनों प्रॉपर्टीज अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब है उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। अगर दो डिफरेंट ग्रुप की फीचर एक सिंगल एनिमल के अंदर हो तो उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक। सो आर्कियोपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज, आर्कियोपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोपिटेरिक्स जो है, आर्की रेफर्स टू एंशियंट, आर्की रेफर्स टू एंशियंट, टायरोन लफ्ज की मीनिंग होती है विंग आर बर्ड, एंशियंट बर्ड, आर्कियोपिटेरिक्स एंशियंट बर्ड था। इसके अलावा आज हम जितने भी बर्ड्स देखते हैं ये सब मॉडर्न बर्ड है, इनको हम कहते हैं मॉडर्न बर्ड। आर्कियोपिटेरिक्स जस्ट इसका फॉसिल मिला था, वो एंशियंट बर्ड है। उसे हम कहते हैं एंशियंट बर्ड कहते हैं, आर्कियोपिटेरिक्स दैट इज कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज एंशियंट बर्ड, जो एक कनेक्टिंग लिंक है। किसके दरमियान कनेक्टिंग लिंक, हम उसे कहते हैं जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद है। अब दोनों प्रॉपर्टीज किसकी, एक रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आज भी आप जैसे लिजर्ट्स वगैरह देखते हैं उनकी जो है माउथ के अंदर जैसे टीथ मौजूद है, टीथ इन बीक, टीथ इन बीक। आज मॉडर्न बर्ड के अंदर आप किसी भी बर्ड के अंदर आप टीथ नहीं देखेंगे, टीथ सिर्फ रेप्टाइल में होते हैं, जो लिजर्ट्स वगैरह आपने जैसे देखी होंगी ये रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। मॉडर्न बर्ड जितने देखे उनकी विंग्स के अंदर ऐसे हार्नी किलाज नहीं है, हार्नी किलाज नहीं है। आज जितने भी आप मॉडर्न बर्ड देखे उनके अंदर किसी के अंदर हार्नी किला नहीं है, ऐसे नाखून नहीं है, जस्ट विंग है। तो ऐसे हार्नी किलाज किसके अंदर होती है, ये लिजर्ट्स या जो जितने भी रेप्टाइल है उनकी ये फीचर है, बर्ड की फीचर ही नहीं है। इसी तरह से एक और फीचर, जिस तरह से आप देखिए इसके जो टेल के अंदर तकरीबन 20 वर्टीब्री थे, 20 वर्टीब्री लॉन्ग टेल, जैसे लिजर्ड का लॉन्ग टेल होता है बिल्कुल इसी तरह से लॉन्ग टेल तकरीबन 20 वर्टीब्री थी, टेल की वर्टीब्री। भले आजकल जिस तरह से जो भी आप बर्ड देखें उसके अंदर जस्ट एक सिंगल वर्टिब्रा होती है, बहुत ही छोटी वर्टिब्रा होती है, फेदर भले बड़े हो वर्टिब्रा छोटी होती है। तो इसके अंदर 20 टेल वर्टिब्री नजर आए और लॉन्ग टेल इज द फीचर ऑफ रेप्टाइल नॉट बर्ड। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये तो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। इससे अंदाजा उन्होंने लगाया कि ऑल द बर्ड्स हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ही बर्ड्स के एंसेस्टर हैं, रेप्टाइल्स ही बर्ड्स के एंसेस्टर हैं। जो आपने एक सीरीज सीक्वेंस से कई बार आपने नोट की है, जैसे फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स फिशेज, देन आगे उससे इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, इवॉल्व हुए एम्फीबियंस के बाद देन जो रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, और रेप्टाइल से आगे दो ग्रुप इवॉल्व हुए, कौन से दो ग्रुप इवॉल्व हुए, एक बर्ड्स इवॉल्व हुए और दूसरे मैमल्स इवॉल्व हुए। तो इसका प्रूफ या शाहिदी या इसका जो एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस एक आर्कियोपिटेरिक्स है,
आर्कियोपिटेक्स से ये सजेस्ट करा है कि बर्ड्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, बर्ड्स हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो आपके जहन में एक और कोई ऐसा कनेक्टिंग लिंक है जो बताए, कनेक्टिंग लिंक आपके जहन में है कोई, आपने जैसे प्रीवियस क्लास या अभी कोई पढ़ा है कनेक्टिंग लिंक जो इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को जैसे बताए कि हाँ ये वाकई कनेक्टिंग लिंक है? एनीबॉडी? हाँ, लोब फिन्ड फिश इज कनेक्टिंग लिंक, नॉट कनेक्टिंग लिंक? थोड़ा जोर से जाओ यार। हाँ, एंटीटर केड़ो केड़ो एंटीटर बन उनके पूछा हमने स्पाइनी एंटीटर। एक फर्स्ट ईयर का टॉपिक है चैप्टर 10 के अंदर क्लास मेमेलिया की थ्री सब क्लासेस है। पहली सब क्लास है जिसे कहते हैं मोनोट्रीम मेटा मोनोट्रीम ईग लिंक मेमल आर कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है ना, वो कनेक्टिंग लिंक है जिसके अंदर ईग लिंक मेमल की कैटेगरी आती है ना, डक बिल्ड प्लेटिपस स्पाइनी एंटीटर दे आर कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें आप याद करेंगे। ठीक है ना, जो हमारे बुक में नहीं है, इस एवोल्यूशन के सेक्शन में नहीं है, पर फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो होपफुली आपने इसको देखा होगा। अगर हम इसी भी बुक की पॉइंट्स की तरफ आते हैं, पहली एविडेंस जैसे आर्कियोपिटेरिक्स की फॉसिल रिकॉर्ड के हवाले से है। ठीक है, तो ये इसकी एज 150 मिलियन ईयर्स अगो कहाँ पे मिला था? 1861 के अंदर बवेरिया जर्मनी की वैली के अंदर। आर्की रेफर्स टू ओल्ड और एंशियंट, टेरोन लव्स की मीनिंग होती है विंग। ऐसे छोटे सवाल तो होते हैं बट टेस्ट रिलेटेड सवाल होते हैं। तो अनलाइक द बर्ड्स, आज जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनमें नहीं, आर्कियोपिटेरिक्स में टीथ थे बी के अंदर। आर्कियोपिटेरिक्स में लॉन्ग टेल था, कितनी वर्टिब्री थी? हैविंग 20 वर्टिब्री। इसी तरह से कंटेनिंग मूवेबल फिंगर्स, जो जिसके अंदर क्लॉज भी मौजूद थे, हार्नी क्लॉज भी थे। ये सारी फीचर्स जो है किसकी है? ये सारी फीचर रेप्टाइल की है। तो इससे इन कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर क्या कहेगी कि इट इज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, कनेक्टिंग लिंक है। तो इसकी जैसे बर्ड की जो साइज थी वो पिजिन और क्रो साइज थी, ये टोकन टाइप के सवाल हैं। टीथ इस वजह से थे ताकि वो इंसेक्ट को कैप्चर कर सके, इस वजह से उनके पास जो टीथ थे। तो आर्कियोपिटेरिक्स को सिंपली हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, और ये एक एविडेंस है एवोल्यूशन के हवाले से, एक एविडेंस है एवोल्यूशन के हवाले से, एक एविडेंस है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, नेक्स्ट जो एविडेंस पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के हवाले से जो है एविडेंस, जैसे अगर आप देखें फर्स्ट ईयर के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। सबसे बड़ा जो यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का फाइलम है, फाइलम के किंगडम, पहले किंगडम देन फाइलम, किंगडम देन फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद देन ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस एंड देन स्पीशीज, फैमिली एंड देन जीनस, और जीनस के बाद देन जो है स्पीशीज होती है, एक सीरीज और सीक्वेंस है। अगर हम कहें कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में मिलकर एक जीनस बनाते हैं, मेनी जेनरा, जो क्लोजली रिलेटेड जेनरा आपस में मिलकर फैमिली बनाते हैं, मेनी फैमिली से देन एक ऑर्डर, ऑर्डर से आगे जो क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से देन आगे किंगडम, और टोटल जिस तरह से हमने पढ़ा है कि फाइव किंगडम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम फाइव किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की क्लासिफिकेशन करें तो ह्यूमन बींग का भी ताल्लुक किसे किंगडम, जैसे एनिमल या फाइलम कार्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनीडी, और जीनस होमो, और स्पीशीज होमो सेपियन होगी, होमो सेपियन होगी। इसी तरह से कई और भी एनिमल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक फाइलम का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप कहें फाइलम कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा, हम इसमें फाइलम के अंदर ये पर्टिकुलर टाइप के एनिमल क्यों रखते हैं, आखिरकार उसका रीजन क्या है? बिकॉज थ्री फंडामेंटल फीचर, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या एडल्ट स्टेज में हो, ये थ्री फंडामेंटल फीचर्स किसी भी अगर एनिमल के अंदर होंगे तो हम उससे कहेंगे ये फाइलम कार्डेटा है। कौन से थ्री फंडामेंटल फीचर है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ डार्सल हॉलो टिब्यूलर नर्व कार्ड।
अगर ये थ्री फंडामेंटल फीचर किसी भी एनिमल के अंदर हो, चाहे वो बैट हो, चाहे जिस तरह से एक माइस छोटे चूहे हो, या जिस तरह से एक वैल क्यों ना हो, जिराफ क्यों ना हो, इन सबको हमें एक फाइलम कार्डेटा के अंदर रखते हैं, फाइलम कार्डेटा के अंदर रखते हैं। आर्डर कार्निवोरा, फॉर एग्जाम्पल एक आर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा तो यानी जो जिसके अंदर सारे कार्निवोरस एनिमल है वो सब जिनकी ओरिजिन सेम या सिमिलर होगी। तो क्लासिफिकेशन एक तरह से क्लू है, एक अंदाजा है कि इस तरह से जो है क्यों हम इनको सेम क्लास या ग्रुप के अंदर रखते हैं, बिकॉज इनकी ओरिजिन सेम थी, इनके एंसेस्टर सेम थे, इस वजह से इनको हमें इसी सेम लाइक एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो वही सेम बात टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजेंबलेंसेज या डिफरेंसेज होते हैं। रिजेंबलेंस होती है, सिमिलर फीचर होती है, तो सेम ग्रुप डिफरेंस होते हैं तो यकीनन एक अलग ग्रुप होता है। तो उसकी जिस तरह से एक ऑर्डर है, तरतीब है, कैसे जैसे अभी हमने पढ़ा है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। जैसे किंगडम, किंगडम जैसे ह्यूमन बींग के हवाले से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये ह्यूमन बींग की क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन कैसे है, एक क्लू या अंदाजा दे रही है। फॉर एग्जाम्पल ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज इस वक्त तो है, पर इनके एंसेस्टर जो इन दोनों के किसी दौर में हो सकता है कॉमन एंसेस्टर हो, कॉमन एंसेस्टर हो, यहाँ से जिस तरह से ये दो अलग इवॉल्व हुई है। इसी तरह से एक और तीसरी स्पीशीज, इनका भी जैसे एक ऐसी पॉइंट थी जहां पे 1, 2, 3 ये जो स्पीशीज है सबका एक कॉमन एंसेस्टर हो। एवोल्यूशन इस तरह से बताती है कि ये जितने भी आजकल जैसे वेरियस टाइप की, ये तो जस्ट यहाँ पे 3 स्पीशीज है, जितनी भी स्पीशीज है वो कहते हैं इन सबके एंसेस्टर जो है वो कॉमन थे, इस वजह से कहते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुई है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि इनके एंसेस्टर कॉमन थे, इस वजह से जो है हम ये कहते हैं कि लाइक जो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन जो टैक्सोनॉमी भी एक तरह से क्लू है, एक अंदाजा है कि एवोल्यूशन की प्रोसेस को फेवर करिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइलम कार्डेटा, कार्डेटा में जो इस फाइलम के अंदर मेंबर्स सबको हम रखते हैं, क्यों रखते हैं, बिकॉज उनके अंदर 3 फंडामेंटल फीचर्स मौजूद है। 3 फंडामेंटल फीचर्स मौजूद होने की वजह से आप देखें, जस्ट एक वर्टिब्रेट का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, कितने एक दूसरे से डिफरेंट है, हमें बिल्कुल ही हम कहेंगे कि हाँ एक दूसरे से ये रिलेटेड ही नहीं है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, पर ये कहते हैं कि किसी जमाने में इनके सेम एंसेस्टर थे, कहते हैं कि सेम एंसेस्टर थे इन सबके एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। तो इसी वजह से इनको एक सेम क्लास के अंदर रखते हैं। जैसे अभी हमने ऑर्डर कार्निवोरा का भी एग्जाम्पल लिया था, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा ये डिफरेंट स्पीशीज है, जैसे जितने भी ये कार्निवोरस स्पीशीज है, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा, तो इसका मतलब है कि ये सब इनकी ओरिजिन इस पॉइंट से हुई है, इन सबके एंसेस्टर ये सेम है, इन सबके एंसेस्टर सेम है, सिमिलर है, जितने भी आर्डर थे कार्निवोर्स मिल रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट ऐसी थी जहां पे उनके सब एंसेस्टर सेम है। तो ये एवोल्यूशनिस्ट जो कहते हैं कि लाइफ भी इसी तरह से जो है एक कॉमन ही उसके एंसेस्टर थे, चाहे आज हमें जितने भी ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, पर उनकी जो है यकीनन जिस तरह से ये कह रहे हैं इनकी एविडेंस के अकॉर्डिंगली के कॉमन एंसेस्टर थे। तो बॉक्स की एक पॉइंट है, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ ऑर्गन्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स उनकी बात हो रही है, सिमिलर पैटर्न ऑफ ऑर्गन का मतलब है कि उनका है एक नर्वस सिस्टम भी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हैं तो वर्टिब्रेट है, डिफरेंट ग्रुप है, पर उनके अंदर इंटरनल ऑर्गन की अरेंजमेंट सेम है। तो ये एक क्लू है, इंडिकेट करता है कि इनका एक दूसरे से रिलेशनशिप है, ये इनके कॉमन एंसेस्टर होंगे, तभी तो जो इनके अंदर ऑर्गन की अरेंजमेंट इंटरनली सेम है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बात हो रही है। इसी तरह से एविडेंस फ्रॉम होमोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है होमोलॉजी, एक इलस्ट्रेशन के जरिए हम सीखेंगे, होपफुली आप समझ जाएंगे होमोलॉजी। जैसे आप देखें ये ह्यूमन बींग की आम है, ह्यूमन बींग की आम है। इसी तरह से आप देखें ये कैट की जिस तरह से फोर लेग है या लेग है जस्ट हम कहेंगे, ये वैल जो मैमल है उसका फिल्पर है, बैल जो मैमल है उसका फिल्पर है। इसी तरह से अगर आप देखिए बैट जो भी मैमल है जिसकी एक विंग है, तो आपको पता है विंग का काम जो होता है फ्लाइट, उड़ने में मदद देना, फिल्पर का काम होता है स्विमिंग में बैलेंस में रखने में, जैसे स्विमिंग में हेल्प देता है,
और जिस तरह से कैट की ले गए इसमें जैसे वॉकिंग रनिंग और अपने डिफेंस वगैरह के लिए जैसे इस्तेमाल होती है, और ह्यूमन बींग की आम जो है ग्रेस्पिंग किसी चीज को पकड़ने में जो है इस्तेमाल होती है। अब आप जैसे देखें सबकी जो फंक्शंस आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, किसी का भी एक जैसा फंक्शन नहीं है, फंक्शंस सबके अंदर डिफरेंट है, पर इनकी आप ओरिजिन देखेंगे सबकी सेम आर सिमिलर है। ओरिजिन जो देखेंगे सबकी सेम आर सिमिलर है। कैसे ओरिजिन सेम या सिमिलर है? अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट को देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट को आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि एक अपर बोन है जो बड़ी बोन है, उसके बाद दो बोन है। अगर हम अपने ह्यूमन बींग की आर्म का भी एग्जाम्पल है, अपर बोन, उसके बाद दो स्मॉलर बोन, देन कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, तकरीबन यही सेम अरेंजमेंट है। जिस तरह से कैट के अंदर भी ये सेम अरेंजमेंट मौजूद है, इसी तरह से वेल का जो फिल्पर है उसके अंदर भी ये सेम अरेंजमेंट मौजूद है। इसी तरह से अगर आप वेट की विंग को देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट सेम आर सिमिलर है, फंक्शन सबकी डिफरेंट है, ओरिजिन सबकी सेम है। ऐसे आर्गन जिनके फंक्शन जो है मोडिफाइड आर डिफरेंट हो, ओरिजिन सेम आर सिमिलर हो, उन्हें हम कहेंगे होमोलॉगस आर्गन। सच आर्गन आर कॉल्ड होमोलॉगस आर्गन। ऐसे आर्गन्स को हम कहेंगे होमोलॉगस आर्गन, जिनकी डेफिनेशन क्या हुई होमोलॉगस आर्गन की, ओरिजिन जिस तरह से सेम, होमोलॉगस आर्गन ओरिजिन सेम है पर फंक्शन जो है उसके मॉडिफाइड या डिफरेंट है, सच आर्गन्स आर कॉल्ड होमोलॉगस आर्गन। ऐसे आर्गन को हम कहेंगे होमोलॉगस आर्गन। स्टडी ऑफ होमोलॉगस आर्गन इज कॉल्ड होमोलॉजी। स्टडी ऑफ होमोलॉगस आर्गन इज कॉल्ड होमोलॉजी। और ये होमोलॉजी एक इंडिकेशन है, एक सपोर्ट है, एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुई है अकॉर्डिंग टू डार्विन। और एवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि जब ओरिजिन सेम, फंक्शन भले डिफरेंट हो, ओरिजिन तो सेम है कि इनकी एक सेम सिमिलर स्ट्रक्चर हुई है, तो इन्होंने एक अंदाजा लगाया कि इनके एंसेस्टर भी किसी जमाने में जैसे सेम थे, तभी आज तक भी इनकी स्ट्रक्चर वही सेम चली आ रही है, पर फंक्शन भले इनके मॉडिफाइड हो या डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। और स्टडी ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स इज कॉल्ड होमोलॉजी। और ये एक क्लू है, होमोलॉजी को आप एनोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, बुक के अंदर ये सवाल नहीं है। एनालॉगस ऑर्गन, एक होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, दूसरे होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जैसे देखें ये बैट है उसकी विंग है, जैसे ये एक बटरफ्लाई है उसकी विंग है, दोनों की विंग्स है। काम दोनों का क्या हुआ? काम दोनों का हुआ सिमिलर, फ्लाई उड़ने का काम है दोनों का, जो काम होता है इस विंग का काम। बैट की जो विंग है इसका काम, जिस तरह से ये भी विंग है और ये जिस तरह से बटरफ्लाई इसकी भी ये विंग है, दोनों का सेम फंक्शन कि फ्लाइट है। पर आप जैसे देखें इनकी ओरिजिन जो है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। तो ऐसे आर्गन को हम कहेंगे एनालॉगस आर्गन। सच आर्गन आर कॉल्ड एनालॉगस आर्गन। ये देखिए इनकी ओरिजिन जो है, ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम है, और फंक्शन इनके डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है, उन्हें हम कहेंगे होमोलॉगस आर्गन। फंक्शन डिफरेंट, ओरिजिन सेम, होमोलॉगस आर्गन, फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट इज कॉल्ड एनालॉगस आर्गन। जैसे इनकी इंटरनल अरेंजमेंट सेम है और उनकी ओरिजिन देखो कहाँ से हुई है, बैट की जो विंग हुआ है फोर लिंब की मॉडिफिकेशन है, फोर लिंब हैज बीन मॉडिफाइड इनटू विंग। और ये जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनकी विंग्स जस्ट एक एपिडर्मल जो कोई ओरिजिन होती है, एपिडर्मिस से एक विंग जैसे निकली है। तो दोनों की ओरिजिन जैसे डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, और यहाँ भी क्या है ओरिजिन सेम है और फंक्शन जो है मॉडिफाइड आर डिफरेंट, फंक्शन मॉडिफाइड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शंस आर मॉडिफाइड आर डिफरेंट, सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स से एक क्लू देते हैं, एक अंदाजा देते हैं कि एवोल्यूशन की प्रोसेस को फेवर करते हैं, ठीक है। बाकी अब जैसे थोड़ी सी रीडिंग आप देख लेना, आप एक नेक्स्ट हेडिंग पे हम आते हैं, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर वेस्टिजेस, वेस्टिजेस आर वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जैसे आपको पता है हमने पहले भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी जब हम लिमार्किज्म पढ़ रहे थे, ऐसे ऑर्गन जिन जो रिड्यूस फॉर्म है, नॉट फुली डेवलप्ड, फुली डेवलप भी नहीं है, काम भी कोई नहीं है, फंक्शन लेस है, पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, चले आ रहे हैं एक जनरेशन टू जनरेशन, तो ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन आर वेस्टिजेस। तो एक डार्विन और इस तरह से एवोल्यूशनिस्ट से उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि जब इस ऑर्गन का कोई काम नहीं है फिर जनरेशन
जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में क्यों इनहेरिट हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह से कहते हैं कि प्रीवियसली इनके काम थे आज नहीं है, इसका मतलब ये चेंज हुई है, चेंज दैट इज एवोल्यूशन। तो इस तरह से उन्होंने एक आइडिया अंदाजा लगाया कि ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ये एक तरह से एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के तौर पे उन्होंने लिया। जैसे रिड्यूस ऑर्गन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आ रहे हैं, इस वक्त उन्होंने अपने फंक्शन को सीज आ रहे स्टॉप कर दिया, अब इस वक्त कोई भी इनका कोई काम नहीं है, पर ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन आ रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स रेट्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर रेट्रोग्रेसिव इन नेचर, रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स। जैसे दो लफ्ज होते हैं, जैसे मैं हमेशा एक लेमेंट से एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट है जो 100 में से 40 मार्क्स लेता है, देन नेक्स्ट टेस्ट के अंदर कहते हैं 50 लिया, 60, 70, 80, 90, तो कहेंगे इसकी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, स्टूडेंट में प्रोग्रेस आ रही है। पर एक ऐसा स्टूडेंट पहले 80 मार्क्स लेता था, फिर जो 70 ले रहा है, फिर 60 ले रहा है, फिर 40 ले रहा है, तो ये प्रोग्रेस नहीं है, इसे कहेंगे रेट्रोग्रेस कहेंगे। जो पहले कुछ था वो भी अग्यू सोच रो चलते, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन, इसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। तो पहले फंक्शनल, अब जो नॉन फंक्शनल रिड्यूस हो, सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स। तो इनका कोई भी, तो इन्होंने जो अंदाजा लगाया कि ये फंक्शनल थे तो कब थे, इनके एनसेस्टर में थे, कॉमन एनसेस्टर होंगे, तभी जो है इस तरह के जो एवोल्यूशन की प्रोसेस को हम बार बार रिपीट यही कर रहे हैं कि एवोल्यूशनिस्ट ही कहते हैं कि इन सब की कॉमन एनसेस्टर थे। तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई जिस तरह से इनकी कोई एनसेस्टर थे उनके अंदर ये ऑर्गन जो फंक्शनल था अब नहीं है। तो बॉक्स की भी कुछ एक जो पॉइंट है बॉक्स के हवाले से कि मेनी वर्टिब्रेट्स पजेस स्ट्रक्चर्स विद नो फंक्शन बट रिजेंबल फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ देयर वर्टिब्रेट्स। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ह्यूमन बींग के अंदर इसका कोई काम नहीं है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का ह्यूमन बींग के अंदर कोई काम नहीं है। पर आप जैसे दूसरे वर्टिब्रेट, जैसे आप गोट का एग्जाम्पल लें, रैबिट का एग्जाम्पल लें, उसके अंदर ये वेल डेवलप्ड है, काऊ का, बफेलो का एग्जाम्पल लें, उसके अंदर ये वेल डेवलप्ड है, ह्यूमन बींग के अंदर सेम ऐसी वर्मी फॉर्म की अपेंडिक्स की स्ट्रक्चर, एज वेल एज आप जैसे किसी काऊ हर्बीवोर को देखें आपको वेल डेवलप नजर आएगी, इनकी सेम इसके इनके अंदर ये फंक्शनल है और उनके अंदर ये फंक्शनल नहीं है। तो ये क्या सजेस्ट करती है, सजेस्ट करती है स्ट्रक्चर आर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तो जिनके अंदर जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मौजूद है तो वो उन सब के में भी किसी दौर में कॉमन एंसेस्टर हो। तो काफी सारे एनिमल्स के अंदर ऐसी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं, हमने चंद एक लेमार्किज्म के अंदर पढ़ी है, जितनी भी एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के जैसे हेडिंग्स है उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये वेस्टिजियल ऑर्गन से आते रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेस्टिजियल ऑर्गन से। तो एक वेल के अंदर और स्नेक के अंदर आपको बताया कि स्नेक और वेल के अंदर पेल्विक ग्रिडल मौजूद है, पेल्विक ग्रिडल क्यों मौजूद है, जाहिर है ग्रिडल का काम होता है लिम्ब्स की अटैचमेंट। जब इस वक्त हम देखते हैं कि कोई लिम्ब नहीं है, हाइंड लिम्ब नहीं है, ग्रिडल मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये जो है चेंज हुई है, एवोल्यूशन हुई है, तो ये सजेशन है। इसी तरह से किवी और ऑस्ट्रिच की विंग्स इस वक्त जो है पुअरली डेवलप्ड है, नॉट फुली डेवलप्ड, इन विंग्स की मदद से ये उड़ने का काम नहीं लेते, जस्ट विंग्स मौजूद है, नॉन फंक्शनल मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके एंसेस्टर थे उनके पास फुली डेवलप्ड थी और इनके पास जो है ये इस वक्त रिड्यूस फॉर्म में ये मौजूद है, ये रेट्रोग्रेसिव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे। इसी तरह से स्प्लिंट बोन ऑफ द फुट ऑफ द हॉर्स, स्प्लिंट बोन आपको पता है कि सेकेंड नंबर और फोर नंबर की जो है मेटाकार्पल और मेटाटार्सल होती है, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल होती है, मेटाकार्पल मेटाटार्सल, फोर लेग आगे जो होती है उनके अंदर मेटाकार्पल होगी और हाइंड लेग के अंदर वही सेम बोन होगी तो उसे हम कहेंगे मेटाटार्सल। चार जो लेग्स है ना हॉर्स के अंदर, फोर लेग होगी तो उसे हम कहेंगे मेटाकार्पल, हाइंड लेग के अंदर सेम पोजिशन पे मेटाटार्सल होगी। जैसे हम अपने आर्म के अंदर जैसे इसे हम कहते हैं कार्पल कहते हैं और उसे टार्सल कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह। कौन सी नंबर की, टू नंबर और फोर नंबर की, क्योंकि हॉर्स के अंदर जैसे हॉर्स भी आज जो हम देखते हैं इसे कहते हैं मॉडर्न हॉर्स, ये मॉडर्न हॉर्स है, मॉडर्न हॉर्स उसमें थर्ड नंबर का जो डिजिट है वो हूफ बन गया है। पहले जो हॉर्स था उनको एक एवोल्यूशनरी सीरीज मिली है, फॉसिल रिकॉर्ड मिला है, जिसमें उन्होंने देखा कि हॉर्स के जो एंसेस्टर थे उनके पास जो है ऐसे फाइव इनकी डिजिट से, फाइव डिजिट से,
जैसे हार्स की जो एंसेस्टर थे उनके पास ऐसी 5 डिजिट्स थी, वक्त गुजरने के साथ साथ ये कहते हैं कि ऐसी चेंजेस आई, इस वक्त जो है ट्रू नंबर और फोर नंबर की जो ये छोटी बोन्स यहाँ भी मौजूद है, इन्हें बोन इन बोन्स को स्प्लिंट बोन कहते हैं, और ये जो थर्ड नंबर का जो है ये डिजिट है अब ये इसमें हूफ बन गया है। तो इस तरह की जो है बोन्स की जो हार्स के अंदर फुट के अंदर जैसे मौजूद है स्प्लिंट बोन ऑफ द फुट ऑफ द हार्स, ये जिस तरह से वेल वेल के अंदर जैसे हाइंड लेग्स नहीं है पर उसके अंदर अभी तक ये जो है वेस्टिजियल पेल्विक बोन या पेल्विक गिर्डल मौजूद है, और गिर्डल का मकसद क्या होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लेग्स, तो इसका मतलब है कि इनके एंसेस्टर थे तो हो सकता है उनके अंदर कोई जो है लेग वगैरह थे। इसी तरह से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेन से रिलेटेड बोन्स कौन सी स्ट्रक्चर है ह्यूमन बींग के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जिस तरह से नंबर वन कोक्सिस है, आपको पता है कोक्सिस हमने स्केलेटन के हवाले से पढ़ा है, 4 फ्यूज्ड टेल वर्टिब्री एक सिंगल बोन बनती है जिसका नेम है कोक्सिस है, आखिर में मौजूद है, क्योंकि ह्यूमन बींग के जिस तरह से इंसान है तो कोई टेल रीजन का कोई रोल किरदार स्ट्रक्चर ही नहीं है, इस वजह से रिड्यूस स्ट्रक्चर में जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आ रही है। पर इसके मुकाबले में अगर आप जैसे गोट का थोड़ा टेल देखेंगे बड़ा होगा, आप देखेंगे कि काउ है बफेलो है या हार्स है, कई ऐसे एनिमल है जिनका आपको जो ऐसी टेल बोन जो वेल डेवलप्ड नजर आएंगी, ह्यूमन बींग के अंदर ऐसे रिड्यूस बोन है कोई रोल नहीं है, फिर भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चली आ रही है। आप एग्जाम्पल याद करेंगे, तफसील आप छोड़ दें, जस्ट जो की पॉइंट जैसे एग्जाम्पल है वही याद कर दें इनफ है। इसी तरह से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था, हर्बीवोर एनिमल्स जो होते हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जैसे ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया सेल्युलोज़ प्रोड्यूस करते हैं। हम अगर कोई डाइट खाते हैं उसके अंदर सेल्युलोज पार्ट होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्यों? बिकॉज हमारे पास सेल्युलोज़ एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होती है। हर्बीवोर उनकी डाइट ही जिस तरह से ग्रासेस है प्लांट मटेरियल है, तो उनकी यहाँ सेल्युलोज की डाइजेशन हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज अपेंडिक्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद है जो सेल्युलोज एंजाइम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और सेल्युलोज एंजाइम जो है सेल्युलोज की डाइजेशन में इंपॉर्टेंटली रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस वजह से इनके अंदर वेल डेवलप है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिस तरह से अगर हम अपनी आंख को जैसे देखेंगे इस जगह पे एक थोड़ी सी एक थोड़ा गोश्त एक जैसे पीस या टुकड़ा अंदर कोने में नजर आ रहा है जिससे कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, पर बर्ड्स के अंदर ऐसी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल वाइपर की तरह जिस तरह से इसे मूव होती रहती है आई बाल को क्लियर करने के लिए। ह्यूमन बींग के अंदर ये रिड्यूस फॉर्म में अभी भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला रहा है, पर बर्ड्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड है जिसका काम होता है टू क्लियर क्लीन द आई बाल। इसी तरह से ईयर मसल्स ह्यूमन बींग के अंदर पुअरली डेवलप्ड है, ये मसल्स नहीं है, ये ईयर मसल नहीं है, ये एक्सटर्नल ईयर है जिसे कहते हैं पिन्ना कहते हैं। अगर आपने कभी हार्स या डॉग को देखा होगा जिस भी डायरेक्शन से अगर कोई साउंड आ रहा है तो उस डायरेक्शन में अपने जिस तरह से ईयर्स को मूव कर रहे होते हैं, इस तरह से मूव कर रहे थे कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है, साउंड वेव्स को जिस तरह से कैच करने के लिए अपने पिन्ना को मूव करते हैं, बिकॉज मूव करते हैं तो यकीनन उनके पास वेल डेवलप्ड ऐसी मसल्स हैं जो एक्सटर्नल ईयर को मूव करें। ह्यूमन बींग के पास ऐसे रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है, तो इसका मतलब रिड्यूस फॉर्म में क्यों मौजूद है कि इनके एंसेस्टर में भी थे जिनके पास में भी के जैसे ये फंक्शनल हो अब नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन की जो कॉक्सिस और टेल बोन वन एक पीस है, बाकी दूसरे जिस तरह से वर्टिब्रेट सब देखते हैं उनके अंदर एक लॉन्ग टेल होता है, तो इनके कहते हैं कि कॉमन एंसेस्टर में भी हो सकता है। जिस तरह से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जितने भी अरबी हो रहे हैं उनके अंदर बहुत ही बड़ा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये ह्यूमन बींग का वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है बहुत रिड्यूस फॉर्म है। बाकी का हम एग्जाम्पल नहीं लेते, जस्ट एक रैबिट को देखें, ये पर्पल कलर की जो साइज है इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की कंपेयर करेंगे आप ह्यूमन बींग से, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग है, पर इनके यहाँ बहुत ही बड़ा एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, वेल डेवलप्ड होता है जितने भी हर्बी हो रहे हैं। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये इस जगह पे पॉइंट पे जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमन बींग के अंदर मौजूद है ये नॉन फंक्शनल है, पर इसके मुकाबले में अगर आप बर्ड की जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन देखेंगे आई बाल को क्लीन करने के लिए ऐसी वेल डेवलप्ड या फंक्शनल जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मौजूद है। ईयर मसल्स का जिक्र किया था, ये जो है ईयर मसल्स है, ये तीन इसके ग्रुप्स होते हैं जैसे एक ऑरिक्यूलरिस सुपीरियर, ऑरिक्यूलरिस पोस्टीरियर, ऑरिक्यूलरिस इंटीरियर मसल्स, तीन ग्रुप होते हैं
अभी तक रिड्यूस फॉर्म में ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद है, इनका कोई भी वेल डेवलप्ड फंक्शन वगैरह नहीं है। किसी जमाने में कहते हैं कि इनके एंसेस्टर सेम आर सिमिलर होंगे, तो ये ऐसी आर्टिक्युलेरिस जो मसल्स हैं ईयर को जैसे मूव करने के लिए होते हैं। एविडेंस फ्रॉम कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, थोड़ा सा टाइम लेके आज आपको एक एविडेंस ये पढ़ेंगे। कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जाहिर है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो आप आपको पता है कि कार्डेट का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर थ्री फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, चाहे वो एम्ब्रियो फिश का क्यों ना हो, चाहे एम्फीबियन का क्यों ना हो, चाहे रेप्टाइल का, बर्ड का, मैमल का, मैन का क्यों ना हो, पर उसके अंदर थ्री फंडामेंटल फीचर्स होती है। कौन सी थ्री फंडामेंटल फीचर्स होती है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ डार्सल हॉलो ट्यूब्युलर नर्व कार्ड। किन बुक्स के अंदर, जैसे अभी फर्स्ट ईयर का नया बुक आया उसके अंदर चौथी फीचर भी बताई गई है, पोस्ट एनल टेल। चौथी फीचर पोस्ट एनल टेल रखी गई है। हमारे पुराने बुक के अंदर आप देखेंगे थ्री फंडामेंटल फीचर, प्रेजेंस ऑफ जैसे डार्सल हॉलो ट्यूब्युलर नर्व कार्ड, येलो कलर जो है हॉलो नर्व कार्ड, जिससे आगे नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसी तरह से ये रेड लाइन जैसे आपको जो नजर आ रही है ये नोटो कार्ड है। नोटो कार्ड जो है इससे आगे वर्टिब्रल कॉलम बनेगा या बैक बोन बनेगी। इसी तरह से पोस्ट एनल टेल यानी एनस के बाद टेल का रीजन, एनस के बाद टेल का रीजन। एक तीसरी फीचर जो है फेरेंजियल गिल स्लिट, जैसे ये माउथ पार्ट होता है एम्ब्रियो का और ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और दूसरे एंड पे जैसे ये एनस है जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इसका मतलब है माउथ के बाद दूसरा जो रीजन आता है वो होता है फेरेंक्स। फेरेंक्स के अंदर ऐसी परफोरेशंस हैं, ऐसी स्लिट्स हैं जिन्हें कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। अगर ह्यूमन बींग देखें एडल्ट फॉर्म है तो गिल स्लिट्स है नहीं है, कोई नहीं है। तो गिल स्लिट्स एम्ब्रियो के अंदर क्यों आ रहे हैं? एम्ब्रियो के अंदर जब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके अंदर गिल्स का कोई रोल नहीं। अगर हम कहें कि एक्वेटिक या फिश हो तो चले गिल्स मौजूद होनी चाहिए। एम्ब्रियो के अंदर अभी तक ये गिल स्लिट्स आ रही है, इसका मतलब है इन सब के कॉमन एंसेस्टर थे। जैसे हमारे बुक के अंदर एक तस्वीर भी है, इसको आप जरा गौर से देखेंगे होपफुली आप समझ जाएंगे। जैसे चंद एक एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये फिश है, फिश है उसका ये एम्ब्रियो, फिश का एम्ब्रियो, सेलेमेंडर का एम्ब्रियो, इसी तरह से टार्टाइज लिजर्ड है उसका एम्ब्रियो। अपर ये जो पूरी लाइन है आप जैसे देखेंगे सब कार्डेट के एम्ब्रियो, तकरीबन सेम एक जैसी शक्ल इन सब की नजर आ रही है। इवन मैन के एम्ब्रियो तक, इवन मैन के एम्ब्रियो तक, रैबिट का एम्ब्रियो सेम, चिक या बर्ड का एम्ब्रियो उसकी भी सेम, टार्टाइज जो रेप्टाइल है उसका एम्ब्रियो सेम, सेलेमेंडर जो एम्फीबियन है सबके एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर है इनिशियली जो होती है वो सब सेम होती है। कैसे सेम होती है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ डार्सल हॉलो ट्यूब्युलर नर्व कार्ड, इवन प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, सब के अंदर जैसे ये कॉमन होता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो देखिए मैन के एम्ब्रियो से मैन बनेगा, शक्ल डिफरेंट हो जाएगी, रैबिट के एम्ब्रियो से रैबिट बनेगा, इसी तरह से चिक के एम्ब्रियो से चिक बनेगा, देन जो टॉर्टाइज के एम्ब्रियो से टॉर्टाइज बनेगी, सेलेमेंडर के एम्ब्रियो से सेलेमेंडर, और इसी तरह से फिश के एम्ब्रियो से फिश बनेगी। तो सवाल है एवोल्यूशनिस्ट करते हैं कि जब ये एडल्ट बनते हैं तो सबकी शक्लें अलग हो जाती हैं, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज के इनका सब सेम है, सिमिलर है, सेम अरेंजमेंट है, सेम स्ट्रक्चर्स मौजूद है, तो उससे ये अंदाजा लगाते हैं, क्लू लगाते हैं कि हो सकता है कि इन सबके एंसेस्टर कॉमन हो किसी जमाने में, बाद में जो इतनी डाइवर्सिटी हुई है या डिफरेंट फॉर्म्स हुए हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी भी एक सपोर्ट देती है इन केस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट आगे।